अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर डेयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेयर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर अलेवन स्टडी कर रहे हैं हमने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर हमने डिफरेंट वेज से जो केमिकल फॉर्मूलाज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात की थी फिर हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम इन सारी बातों को इन सारे लेक्चर्स को कंक्लूड करें तो दो बातों में कंक्लूड कर सकते हैं पहली बात हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर हमने बात की थी कि कैटिनेशन की वजह से इस नेचर में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और लास्ट में हमने ये देखा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज केमिकल बॉन्डिंग और वही प्रॉपर्टीज जो जनरली कोविलेंट कंपाउंड शो करते हैं वही प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शो करते हैं इट्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग पे तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक सिग्निफाइज फॉर लाइफ हमने स्टार्ट में यह बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑरिजिन प्लांट्स और एनिमल्स हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो मेजर सोर्सेस जैसा भी हमने बात की है एनिमल्स एंड प्लांट्स एनिमल्स से हमें दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं एक है प्रोटीन्स और दूसरे हैं फैट्स और ऑयल्स डे स्टूडेंट्स एक बात में रखिएगा कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्रो होते हैं यानी ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं बड़े मालिक्यूल होते हैं हम बात करें प्रोटीन्स की तो ये प्रेजेंट होते हैं एग में मटन में चिकन में फिश में और बीफ में और अगर हम बात करें फैट्स या ऑयल्स की तो ये प्रेजेंट होते हैं हमें मिलते हैं फ्रॉम मिल्क फ्रॉम बटर फ्रॉम चीज और अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं लिविंग प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स लिविंग प्लांट्स से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं तो इनमें है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स नो डाउट ये एनिमल्स में भी होती हैं इटमिन्स एंड ऑयल्स कार्बोहाइड्रेट वीट से हमें मिलता है मेज जैसे कॉर्न है वहां से मिलता है पोटैटो से मिलता है बार्ले से मिलता है और राइस से मिलता है और अगर हम बात करें प्रोटीन्स की कि कौन से प्रोटीन्स हमें प्लांट्स से मिल सकते हैं एनिमल्स के अलावा तो वो हैं पलसीज एंड बीन्स अगर हम बात करें वाइटामिन की तो वाइटामस प्रेजेंट होते हैं तकरीबन तमाम फ्रूट्स में जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जैसे एप्पल है ऑरेंज है बनाना है ग्रेप्स हैं अगर हम बात करें ऑयल्स की कि कौन से ऑयल्स हमें लिव प्लांट से मिलते हैं नो डाउट ऑयल्स का एक और सोर्स एनिमल्स भी हैं पाम ऑयल ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल पीनट ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल और ये ऑयल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम बात करें डेड प्लांट्स से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तो इसमें तीन हैं कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डे स्टूडेंट्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेजर सोर्सेस हैं और वो हैं डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स आफ्टर डेथ जब प्लांट्स और एनिमल्स क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं अंडर हाई प्रेशर अंडर हाई टेम्परेचर बहुत सारे केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस उन परफॉर्म होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनकी मैंने अभी बात की कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इन तीनों को कोलेक्टिवली बोला जाता है फोसल फ्यूल और ये बात कही जाती है आफ्टर सन सूरज के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा इनर्जी सोर्स फोसल फ्यूल्स ही है और फोसल फ्यूल्स के तीन कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स और तीनों के नेम्स आपने तैयार करने हैं कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन तीनों को कोलेक्टिवली बोला जाता है फोसल फ्यूल्स और जैसे मैंने ये भी बात की कि ये एक मेजर सोर्स है इनर्जी का इस ग्लोब में कोल कोई एक केमिकल कंपाउंड नहीं है एक्चुअली कोल हमारे पास एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और जब हम कोल की करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसे हम कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं तो हमें तीन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मिलती हैं कोक कोल गैस एंड कोल टार कोल टार के मुतालिक कहा जाता है कि ये हिडन ट्रोयर है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इसमें प्रेजेंट होते हैं अबाउट टू फिफ्टीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास कोल जो इस नेचर में मौजूद है जिससे हम बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं इन द सेवे हम बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम भी सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे अल्के प्रेजेंट होते हैं और अगर हम पेट्रोलियम की करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डेयर स्टूडेंट्स जब मैं बोलता हूं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इसका मीन है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर बॉलिंग पॉइंट्स तो एक्चुअली जब हम पेट्रोलियम की करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं जो डोमेस्टिक लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं जैसे नेचुरल गैस है जैसे पेट्रोल है जैसे पेट्रोलियम ईथर है ये सब पेट्रोलियम फ्रैक्शन ही हैं। तो पेट्रोलियम की जब हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम यूज करते हैं जैसे भी मैंने बात की पेट्रोल की मैंने बात की नेचुरल गैस की मैंने बात की पेट्रोलियम ईथर की ये फ्रैक्शन हैं जो हम हासिल करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, और लास्ट में बात करते हैं नेचुरल गैस की स्टूडेंट्स नेचुरल गैस जिसे हम कॉमनली ई गैस भी बोलते हैं नेचुरल गैस भी सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है यह फोर का मिक्सचर है फर्स्ट फोर यानी मीथेन इथेन परोपेन एंड ब्यूटेन और इसमें मेजर पोर्शन होता है मीथेन गैस का तो इसलिए जब हम कहते हैं ना नेचुरल गैस सूई गैस तो इसका मीन हम जनरली लेते हैं मीथेन गैस लेकिन इसमें शामिल है इथेन बी परोपेन बी और ब्यूटेन बी यानी फर्स्ट फोर अल्केन मॉलिक्यूल्स और नेचुरल गैस एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और इस नेचुरल गैस से हम फर्दर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं इस तरह पेट्रोलियम फ्रैक्शन से भी और हम कोल की फ्रैक्शन से भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक बात हमेशा जेम रखिएगा नेचुरली अक्करिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो ही सोर्स हैं एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स जब वो लाइव हैं, जिंदा हैं देन भी वो अच्छे सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के आफ्टर डेथ भी वो अच्छे सोर्स साबित होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको आपने थॉरोली अपनी टेक्स्ट बुक से रीड आउट करना है और मैं यहां अगेन ये बात आपसे जरूर बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स रिटर्न प्रैक्टिस ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने नोटबुक पे ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करोगे अपनी नोटबुक पे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डीप स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफरेंट फैमिलीज को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़